मित्रों पटवारी परीक्षा की क्लास थर्ड है, कंप्यूटर की दो क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कौन सी है थर्ड? इसमें पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। ये डब्बा क्या मैंने बना दिया, ये डब्बा जो आपकी कंप्यूटर में बगल में रखा रहता है, सीपीयू बोलते हैं इसे, कैबिनेट बोलते हैं, ये वही डब्बा है। क्या है ये? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या होता है ये? ब्रेन होता है, दिमाग। जैसे हमारा दिमाग है वैसा है कंप्यूटर का दिमाग है। क्या कहलाता है? सीपीयू। हमारे दिमाग में क्या है? हम कुछ सोचते हैं और कुछ याद करते हैं, कुछ सम एडिशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वैसा सीपीयू भी करता है। तो सीपीयू के ब्रेन में भी दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एएमयू मतलब मेमोरी यूनिट और एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट में सीपीयू सब डाटा स्टोर रखता है। कैसे? रजिस्टर के फॉर्म में। कैसे? रजिस्टर के फॉर्म में। रजिस्टर के फॉर्म में सारा डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है। कौन? सीपीयू। और एएलयू में क्या होता है? बाकी काम एएलयू करता है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये जो आप करते हैं ये कौन करता है? एएलयू करता है। साथ में कंपैरिजन, कौन सा डाटा बड़ा है, 24 और 36 में कौन सा बड़ा है, 36, तो ये कंपैरिजन कौन करेगा? ये बड़ा, ये करेगा लॉजिकल यूनिट। और प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक यूनिट। मतलब एएलयू के भी दो डिवीजन होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल यूनिट कंपैरिजन करता है। तो ये हो गया सीपीयू के अंदर की बात। मतलब आपने देखा सीपीयू में अकेले दो यूनिट है, एक है मेमोरी यूनिट और दूसरा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब जो भी जोड़ बाकी किया है ये आपको बताएगा। तो ये क्या है? आउटपुट है। इससे जो बाहर जाएगा सीपीयू से उसे बोलते हैं आउटपुट। जनरली क्या होता है आउटपुट? आपको मॉनिटर होता है या प्रिंटर होता है या प्लॉटर होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। अब इसमें डाटा भरेगा कौन? सीपीयू में डाटा कौन भरेगा? आप या तो माउस से भरोगे या कीबोर्ड से भरोगे या स्कैनर से भरोगे या कैमरा से भरोगे या बारकोड रीडर से भरोगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे? बारकोड रीडर वगैरह ये सब हो जाएंगे इनपुट। क्या हो जाएंगे? इनपुट। तो आपने क्या पढ़ा? आपने सीपीयू पढ़ा, ब्रेन होता है, मेमोरी यूनिट होती है उसमें, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट में रजिस्टर होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है, एएलयू में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है और कंपेरिजन होता है। फिर आपने पढ़ा सीपीयू के अंदर दो चीजें होती है जो एमयू और एएलयू, ये जुड़ा होता है आउटपुट डिवाइस से। आउटपुट जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब क्या है? आउटपुट है। और ये इनपुट है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, बारकोड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा सीपीयू, हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस और हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस, ये सब हमने पढ़ लिया। तो ये बेसिक क्लासेस चल रही हैं, करीब 10 क्लासेस कंप्यूटर की बेसिक्स होंगी। उसके बाद हम एडवांस क्लास लेंगे कंप्यूटर, जिसमें एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, इन सब पे चर्चा होगी। धन्यवाद।